नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में कुछ नया सीखने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ बेटा मैं आज आपके लिए, जिसका नाम है संज्ञा। यस बच्चा, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्याकरण में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों को जाना था। आज हम क्या जानेंगे? संज्ञा को जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है संज्ञा, किसे कहते हैं संज्ञा, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब चीजें जानने से पहले हम इस संज्ञा शब्द को समझेंगे कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। तो संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज को जानना, पहचानना, उसके नाम को जानना, उसी को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी न किसी चीज का कुछ न कुछ नाम होता है, जो जिसका नाम होता है, जो जिसकी पहचान होती है, उसी को ही हम संज्ञा कहते हैं। जिस नाम से जिस चीज की पहचान होती है, उसी को ही हम संज्ञा कहते हैं। हम देखते हैं कि हर एक चीज के लिए हमने कोई न कोई नाम देकर रखा है और हम उस नाम के द्वारा ही उस चीज को पहचानते हैं। तो उस नाम से ही हमें उस चीज के बारे में पता चलता है। तो ये नाम हम किसी के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नाम हम लोग हमारे व्यक्तियों के ही नाम होते हैं। नाम व्यक्तियों के भी हो सकते हैं, नाम किसी प्राणी के भी हो सकते हैं, वो नाम किसी वस्तु के भी हो सकते हैं, वो नाम किसी स्थान के भी हो सकते हैं। हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको भी हमने नाम देकर रखा है। तो इसी तरह से हमने हर एक चीज का कुछ न कुछ नाम देकर रखा है और उस नाम के द्वारा ही हम उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को पहचानते हैं, उस प्राणी को हम पहचानते हैं, तो उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको पता चला बेटा कि हम संज्ञा के द्वारा, नाम के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थान के बारे में, सभी के बारे में हम जानते हैं। तो चलो अब हम इसकी डिफाइन बनाते हैं कि हम इसको एक परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे। तो चलो मैं आपको उसकी डिफाइन लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने बेटा आप लोगों को बताया कि सभी नाम जो होते हैं, उन सभी नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं और उन नामों के द्वारा ही हम हर चीज को पहचानते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि नाम किस किस के नाम होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ नाम किस किस के होते हैं। तो हम इसको इस परिभाषा डिफाइन के रूप में समझेंगे कि किन किन चीजों के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान और भाव के जो नाम होते हैं, उन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आया बेटा? एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी मैंने बताया कि सभी नाम, जितने भी नाम है वो सब संज्ञा है। तो अब नाम कौन से, किस किस के नाम? व्यक्ति के, वस्तु के, प्राणी के, स्थान के और भाव के नामों को। इसमें हमारे सारे नाम आ जाते हैं। व्यक्ति के अंदर हम सारे इंसान, जितने भी हमारे पर्सन होते हैं, उन सबके नाम, जहाँ सबके जो नाम है वो सारे नाम व्यक्ति में आएंगे। वस्तु में हमारी थिंग्स आएंगी, प्राणी में बर्ड्स, एनिमल्स, सब कुछ आ जाएगा। स्थान में सारे प्लेस आ जाएंगे। भाव, हमारे अंदर जो भाव होते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है, हम कभी क्रोध करते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं, है ना, खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो ये सारी जो हमारे अंदर सारी जो फीलिंग्स होती है, उन्हीं को ही हम भाव कहते हैं। तो इन सभी के नामों को, इसके अंदर सब कुछ आ गया, जितने भी नाम है, जिससे हमें उस चीज की पहचान होती है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ कि व्यक्ति में कौन कौन है, वस्तु कौन सी होती है। तो चलो हम उसको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अभी जैसे बेटा हमने परिभाषा में समझा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्यक्ति में क्या आता है, वस्तु में क्या आता है, स्थान में क्या आता है, प्राणी में क्या आता है और भाव में क्या आता है। तो चलो, व्यक्ति,
व्यक्ति में हरेक व्यक्ति के नाम, जैसे राम, मोहन, सीता और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो इन सब किस में आएंगे? व्यक्ति में आएंगे। वस्तु, वस्तु यानी थिंग्स, जो भी सामान होता है, जो भी सामग्री होती है उसको हम वस्तु यानी थिंग्स कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक भी एक थिंग्स है, वस्तु है। गेंद, गिलास, इसी तरह से हर चीज। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, ये चौक भी एक वस्तु है। तो इसको हमने कैसे पहचाना? उसके नाम से पहचाना, चौक। तो ये भी उसके लिए चौक क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। इसी तरह से ये ब्लैक बोर्ड हमें दिख रहा है, तो हमने इसको भी एक नाम दे दिया कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड से हमें इसकी पहचान हुई, तो भी ये भी ब्लैक बोर्ड भी क्या हो गया? जो वो नाम है ब्लैक बोर्ड, वो उसकी संज्ञा हो गई, उसकी पहचान हो गई। इसी तरह से स्थान में, स्थान जैसे आगरा, विद्यालय, विद्यालय यानी अकेला विद्यालय नहीं आएगा, आगरा यानी अकेला आगरा ही नहीं, सारे शहरों के नाम, सारे गांवों के नाम सब आ गए। विद्यालय, विद्यालय अकेला नहीं, हम अस्पताल भी ले सकते हैं, हम मंदिर भी ले सकते हैं। तो ये जो भी नाम होते हैं वो सारे स्थान में आते हैं, प्लेस को। बगीचा, बगीचा भी एक स्थान ही है, एक प्लेस है। भारत, भारत यानी सारे देशों के नाम, भारत है, अमेरिका है, जापान है, सारे कंट्री के नाम भी किसमें आएंगे? स्थान में आएंगे। नदी, नदी है, पर्वत है, तालाब है, समुद्र है, तो ये सारी चीजें भी हमारे किसमें आती है? स्थान में आती है। तो इनके भी जो नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से प्राणी, प्राणी में मनुष्य, मनुष्य भी एक प्राणी है, तो सारे मनुष्य हमारे के जो नाम होते हैं वो सारे संज्ञा में आते हैं। गाय, गाय यानी एनिमल, तो सारे एनिमल, गाय, बंदर, घोड़ा, बकरी, जो भी है, शेर है, वो सारे एनिमल्स भी। मोर, मोर क्या है? पक्षी है, तो सारे पक्षियों के नाम, जितने भी तोता है, चिड़िया है, कबूतर है और तितली, सारे जितने भी हमारे हैं वो सारे हमारे किसमें आएंगे? संज्ञा में आएंगे, प्राणी के अंदर आएंगे। भाव, अब हमने यहाँ पर जो व्यक्ति से लेकर वस्तु, स्थान और प्राणी, इन सबको हमने देखा ना, ये सारी चीजें हमें प्रत्यक्ष देखने मिलती है। अगर हम पुस्तक कहते तो पुस्तक को हम देख सकते हैं, आगरा तो हम आगरा में जाके आगरा को देख सकते हैं, गाय को देख सकते हैं, मोर को देख सकते हैं, विद्यालय को देख सकते हैं। तो ये जितने भी है, राम, तो राम नाम का कोई लड़का हो, रामोहन नाम का या सीता नाम की कोई लड़की हो, तो हम उसको देख सकते हैं। बट भाव जो होता है, भाव, फीलिंग्स होती है, उनको हम देख नहीं सकते हैं, फिर भी उनके जो फीलिंग्स को भी हम जो महसूस करते हैं, वो हमारे अंदर जो भाव होते हैं उसको भी हम उसके नाम दे के रखे हैं। हमारे अंदर एक ही तरह का भाव नहीं होता है, हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी काम करने का उत्साह आ जाता है, जोश एकदम से आ जाता है। इसके साथ साथ हम किसी चीज को खाते हैं तो उसका जो हम टेस्ट लेते हैं, कोई चीज हमें मीठी लगती तो बोलते हैं हमारे मुंह में मिठास हो गई, खट्टी लगती तो खट्टास हो गई। तो ये जो भावों के नाम होते हैं, हम उन्हें देख तो नहीं पाते बट हम उन्हें फील कर पाते। तो ये जो भावों के नाम है, जैसे क्रोध, प्यास, भूख, हमें भूख लगी है ना, तो भूख पे हमने क्या किया? फील किया, तो हमें पता चला, हम मम्मा को बोलेंगे भूख लगी है, तो भूख से हमें पता चला कि मम्मा हमको खाना देगी, तो हमने उस फीलिंग को भी एक नाम दे दिया। प्यास लगी है तो उस फीलिंग्स को भी हमने जो फील किया कि गला सूख रहा है, प्यास लगी है, तो हमने उसको भी एक नाम दे दिया। मीठा से मित्रता, मित्रता हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं या किसी से दुश्मनी करते हैं, शत्रुता होती है, तो ये मित्रता हमें दिखती नहीं है, हम उसको फील करते हैं, हम उस रिश्ते को निभाते हैं। तो ऐसे जो चीजें होती हैं उनको हम सब भाव में लेते हैं। तो इन भावों को भी हमने जो नाम दिया है वो नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो अब इससे जुड़े हुए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ सेंटेंस हम यहाँ पर देखेंगे, और उन सेंटेंस में संज्ञा को पहचानेंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द नाम है। तो चलो अब हम उसके एग्जाम्पल को भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम संज्ञा के उदाहरण भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं, उन सेंटेंस को रीड करके हमें संज्ञा शब्द को पहचान कर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो मैं फर्स्ट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सीता ने साड़ी खरीदी। तो यहाँ पर क्या है संज्ञा शब्द? सीता और साड़ी, सीता और साड़ी। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही संज्ञा शब्द होगा, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा
ज्यादा भी संज्ञा शब्द हो सकते हैं। साड़ी साड़ी वस्तु होती है, तो हमने कहा ही था जैसे डिफाइंड में कि किसी वस्तु का नाम आता है तो साड़ी, तो हमें उससे साड़ी की पहचान हुई। सीता, तो सीता किसी लड़की का नाम हो सकता है, तो सीता ने साड़ी खरीदी, तो यहाँ पर हमें दो संज्ञक शब्द पर अंडरलाइन की। अब आगे है घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा शब्द को हम अंडरलाइन करेंगे। घोड़ा क्या है? संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट, तितली फूल पर बैठी है, तितली फूल पर बैठी है, तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे? तितली, ये भी नाम है, और फूल, फूलों को बता रहे हैं ना, फूल कोई भी हो सकता है बट फूलों को इंडिकेट कर रहे हैं, तो तितली और फूल हम इसको अंडरलाइन करेंगे। मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर हम किसको प्लेस दिया है? विद्यालय, स्थानबोध के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर प्लेस है विद्यालय। वह दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली, दिल्ली भी प्लेस है, हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, सिक्स नंबर पे हमारा एग्जाम्पल है राम कल जयपुर जाएगा। यहाँ पर हमें दो संज्ञा शब्द मिले, राम नाम है व्यक्ति का और जयपुर प्लेस का नाम है, तो राम और जयपुर हम इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। होलिका आग में जल गई, होलिका सभी जानते हैं हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, प्रहलाद की बुआ जो प्रहलाद को लेकर बैठी थी, तो होलिका आग में जल गई, तो होलिका भी क्या है? नाम। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, तो लता मंगेशकर सब जानते हैं वो, उनकी आवाज कैसी अच्छी है ना, बहुत अच्छा गाती है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें भी हमें दो शब्द मिल रहे हैं, दो संज्ञा शब्द हैं राम और रावण, राम ने रावण को मारा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का एग्जांपल है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बताया भी था अच्छे से मैंने कि भावों के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पर किसका भाव आ रहा है? क्रोध का भाव आ रहा है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पर हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर 10 एग्जांपल देखे जिसको हमने अच्छे से समझा। इसी के साथ साथ बेटा मैं आपको एक और चीज बताने जाती हूँ कि ये जो 10 एग्जांपल देखे हैं उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, कि जैसे सीता ने साड़ी खरीदी, जरूरी नहीं है कि साड़ी, यहाँ पर चेंज होकर भी आ सकता है कि सीता ने पुस्तक खरीदी, सीता ने साइकिल खरीदी, तो एग्जाम में हमें हर तरह से प्रिपरेशन करनी है कि सेंटेंस पर्टिकुलर यही आएंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं है, सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, हमें संख्या को पहचानना है। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर विद्यालय की जगह पर हम चेंज कर सकते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूँ, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं अस्पताल जाता हूँ, या फिर ये कर सकते हैं कि राम विद्यालय जाता है, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है कि किसी भी तरह से एग्जाम में सेंटेंस आ सकते हैं और आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है संज्ञा को पहचान कर। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से संज्ञा वाला जो यह हमारा व्याकरण का टॉपिक था अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप और अच्छे से और एग्जाम्पल बना बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।